चलते कैसे? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड आई होप ऑल यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। नाउ आई हैव रीच जैसलमेर। खाना वाना हो गया है, रूम चेक इन हो गया था। दिस इज़ डे वन और आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो। पीछे ये जैसलमेर फोर्ट है और ये कुछ तो है, अभी जाके पता चलेगा। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। मीनवाइल आप देखो कि मैं कैसे यहाँ तक आया और हमने क्या क्या नहीं झेला। देखो देखो सारा सामान पैक्ड, गाड़ी इज़ ऑल सेट। और थोड़ी गंदी हो रखी है बिकॉज एज यूजुअल बारिश, एंड वी आर गुड टू गो। तो अभी हो रहा है 10:15 PM एंड आई विल बी गोइंग टू साइबर हब टू पिक वन ऑफ माई फ्रेंड बिकॉज दो के साथ और प्लान था, बट इन मोमेंट पे एज यूजुअल इंडियन पीपल वी नो कैंसिल हो चुका है। वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स जैसलमेर। विल ट्राई टू हैव नो स्टॉप बट देन अगेन nature's call, you know. इधर जो पीछे रखना ना सामान, इधर रखना, बस इतना सारा सामान। तो गूगल आंटी के हिसाब से अभी 12.5 घंटे लगने हैं एटलीस्ट। दैट्स एटलीस्ट मैन, टाइम तो बहुत ही लगने वाला रे बाबा। एंड अनफॉर्चुनेटली फिर से वही हुआ, मैं कैश निकालना भूल चुका हूँ और आगे बहुत सारे टोल आने वाले हैं। इवन दो पेटीएम चलता है बट देन कैश होना ज़रूरी है, राइट? एंड ATM कोहरा हो रहा है। दिस इज लाइक कोहरा मिक्स सैंड। शीशे गंदे हो चुके हैं और वी कैन नॉट गो मोर देन लाइक 30 किलोमीटर/आवर। और ऐसा आई डोंट नो, हम लोग फ्रॉम लाइक सिंस 20 किलोमीटर्स वी हैव बीन डूइंग दिस। पीस आउट, वी आर एंजॉयिंग, मज़ा आ रही है। तो अभी सुबह के 7:42 नागोर, सामने रेलवे क्रॉसिंग है, उसी का छोटा सा जाम लगा है, छोटा सा, a little, a very little, 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 little. तो ये हमारा पहला हॉल्ट है। सुबह के 8 बज रहे हैं एंड वी आर समवेयर नियर नोखा। आई मीन दैट इज सम सिटी है। एंड मैंने चाय ब्रेक लिया बिकॉज मुझे बहुत तलब सी हो रही है चाय की एज़ यूजुअल। एंड मेरी टांगें भी थोड़ी स्ट्रेच हो गई हैं इसी बहाने। बाकी गूगल आंटी सेज कि हम लोग पहुँचेंगे समथिंग अराउंड 12, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो फार एवरीथिंग इज गोइंग गुड। गेट चाय, हैविंग फन यार। दिस इज ऑल पोकरन। Finally, I'm in Jaisalmer and you can see behind me, that's our hotel and it is known as Himmatgarh Palace, whatever. And look-wise, it looks awesome, man. Quite the architecture, right? That's our car. बहुत चली है आज, बहुत ज़्यादा चली है। धूप अच्छी खासी हो रही है बट देन टेम्परेचर नॉर्मल है। आई मीन एक हुडी डालना बनता है मजा। दिस इज आवर रूम, दिस इज द वॉशरूम, ये अपना whatever, ये अपना whatever, that's my light here and that's one more mirror। कुछ ऐसा है बाहर का मजा। सो मज़ा आया, तो अब हमारा प्लान है वहाँ जाने का पहले, एंड उसके बाद हम जैसलमेर फोर्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एंड देन चेकआउट भी तो करना है। हाँ, चेकआउट भी करना है, तो अभी वहाँ जाते हैं। सी यू देयर। तो अभी सीन क्या है कि गेट बंद है और वी आर काइंड ऑफ ट्रेसपैसिंग, सीम्स लाइक वी आर ट्रेसपैसिंग। पुलिस मत बुलाना। वो है वो जगह जहाँ पर हमने जाना है। अभी आगे ये है, तो अपन यहाँ से वहाँ तक जंप करेगा। ये ऑन माई बूट्स। सो फार मज़ा आ रही है। नीचे बहुत सारे कांटे हैं, तो यहाँ बेटर है कि शूज़ पहन के आओ, अदरवाइज तुम्हारी वाट लग सकती है। और ये है रास्ता ऊपर जाने का। ये बेसिकली दिस इज़ नोन एज व्यास छतरी, और ये यहाँ का एक सनसेट पॉइंट है जो कि हमें अभी अभी जस्ट राइट नाउ पता चला। तो गाइज फाइनली वी मेड इट। ये कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मतलब अमर शहीद सागर मतन गोपा अप्रैल, वो कुछ हिंदी में लिखा। शी सेज अप्रैल 1900 समथिंग, उसके बाद समझ नहीं आ रही है। देख ये जगह जो है ना, ये जगह होने की व्यास चटनी, जो स्टेट व्यास जिसने महाभारत लिखी थी उन्होंने उनकी जगह बनी थी, बट फिर बाद में शहीदों के लिए भी इसको डेडिकेट कर दिया। दैट इज़ दी एंड। एंड उसके आगे आप देख सकते हैं विंडमिल्स हैं खूब सारे। रात में कितना स्पूकी लगेगा, राइट? मतलब यहाँ पर इतनी सारी कुछ जली हुई चीज़ें हैं, एशेज एंड एवरीथिंग। शी इज़ हैविंग फन, आई एम ऑल्सो हैविंग फन। तो यहाँ का काम तो हो चुका है। इट इज़ एक्चुअली क्वाइट ब्यूटीफुल इनसाइड, राइट? खूब सारी फोटोग्राफी हमने कर ली है। वीडियो रिकॉर्डिंग लाइक कुछ ऐसा कुछ था नहीं, बट आई डू होप आपको सिनेमैटिक शॉट ज़रूर पसंद आए हों। ये एक्चुअली बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी आई गो नीचे ताकि हमारा जैसलमेर फोर्ट वाला काम भी हो सके। फोर्ट वाला काम क्या है, ऐसे हमने एक्सप्लोर करना है। सो गाइज आई एम डन विद द पार्किंग, दिस इज़ वेयर आई पार्कड। वी डू एक्चुअली हैव क्वाइट अ गुड पार्किंग इन जैसलमेर फोर्ट। दी एंट्री we do have parking inside। he padharo hamare desh, he padharo hamare desh mein, padharo hamare desh। Hope you enjoyed the cinematic shot. This is where we are, India's only living fort. Correct me if I'm wrong, by the way. And I think world में कुछ गिने चुने फोर्ट्स हैं जो living हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं। Look at the आवाजाही। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा आवाजाही है, पॉपुलेशन है यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम 2008 में आया था, तब यहाँ पर इट वाज नोन एज लाइक 4000 ऑफ पॉपुलेशन या होल पीपल। तो आप देख सकते हो गाइस, ये बहुत बड़ा है, हमें कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर जाना किधर है। दिस इज़ इनसाइड द म्यूजियम, दैट इज़ फॉर अस। सही है, अंग्रेज़ों ने इतना लूटा है भाई, उनको भी लूटना बनता है, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड हैव इफ यू वांट टू डू फोटोग्राफी। देख लिया आपने प्रोसेस। करेंट किंग ऑफ जैसलमेर। तो हम लोग ठहरे जिद्दी, हम लोग नहीं रहेंगे गाइड। ढेर सा सीन है ये, लग पिक पिक कुरी भाला खोरी सम काइंड ऑफ तलवार, अगेन सम काइंड ऑफ तलवार, एक बड़ी पिस्टल है, यू नो दिस ऑलरेडी दीवान खान। जो बंदा है वो सब जुगाड़ कर रहा है। ऊपर आप एक फोटो देखेगा, राजा का नाम है सालिवान सिंह, उसका वजन था 250 केजी। अगर आप सर जुगाड़ करना है तो आपको सर काट दिया जाता था। अच्छा डैम त्रिपोलिया राजा महाभारत के टाइम में भगवान कृष्ण ने कहा था कि यादवों का राजा एक राजा बनेगा जो यादव है। तो जो यहाँ पे जैसलमेर फोर्ट जो बना, जो यहाँ का राजा बना था ना, वो पहला राजा बना था ये डायनेस्टी भगवान कृष्ण की। उसको कंटिन्यू करते करते ये जो हमारा डेजर्ट फेस्टिवल कंटिन्यू हो। ये मेरे पीछे का व्यू है, इट्स ऑल गोल्डन, राइट, ऑल गोल्डन। लास्ट शॉट देखा, दैट इज जैन टेम्पल। ये जो है ये पूरा फोर्ट का रेप्लिका है, एक्चुअल जो पूरा फोर्ट है। यार सेंट्री किया था सर, हेलो यार सेंट्री किया, हेलो ठीक है। यहां से हां जी टॉप पे गए, नेक्स्ट आगे वाला यहां से वो करते रानी पर से एग्जिट। 20% राजपूत, 80% ब्राह्मण, वेज नॉन वेज मिक्स वेज। ये फोर्ट गागरिया फोर्ट, कहीं भी जाएंगे सब चौक में आने जाने का रास्ता एक ही रहेगा। सो गाइज, अब लग रही है चाय की तलब और भूख, और हम सोच रहे हैं कहाँ से खाना खाया जाए। अभी हमें ये पीछे एक रेस्टोरेंट दिखा, बट देन अगेन मज़ा वाली फीलिंग नहीं आ रही। सो अपन लोग आगे ले रहे हैं पैराडाइज रेस्टोरेंट में। द सेंट इज़ अमेजिंग। ये है हमारा होटल पैराडाइज। गाइज अभी टेम्परेचर इतना कम्फर्टेबल है, इट्स लाइक अराउंड 19 डिग्री सेल्सियस। एंड बाय द वे आई जस्ट गॉट टू नो कि जैसलमेर फोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज सोनार किला। गुड टू नो स्टफ। अगेन मैंने ऑर्डर किया है मिक्स फ्रूट पैनकेक एंड सम काइंड ऑफ स्पैगेटी। ये है मिक्स फ्रूट पैनकेक एंड दैट इज़ लस्सी। तो अभी कुछ स्पैगेटी जैसा ऑर्डर किया है, बट स्पैगेटी जैसा दिख नहीं रहा है। इज़ दिस स्पैगेटी? टेल मी इन द कमेंट्स। चीज़ अगर आपको देखनी है तो ये देखो, वाइट मस्ट। सर जी थोड़ा लगा ना, बहुत अच्छी चीज़ है, आप देखो तो ना खुल जाएगा भैया। कभी मिट्टी की खुशबू देखी आपने? बारिश की पहली खुशबू, वो खसमी होती है ना? नहीं खसमी, मिट्टी की जो बारिश होती है ना, रिवर मिट्टी, उसकी पहली खुशबू देखेंगे। थोड़ा रब कीजिएगा इसको। ये देखो, डन विद द फोर्ट, व्यू पॉइंट हो गया, जैन टेम्पल हो गया, जिसके अंदर मैं नहीं गया, साथ में फ्रेंड गई, बिकॉज शूज़ उतारने पड़ते लेदर वाले, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं था। एंड बाकी अंदर सच कुछ है नहीं, बिकॉज सारे होटल या फिर और चीज़ें हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं बाहर जाके घूमते हैं। राइट नाउ आई एम हैविंग ये 10 रुपये वाले फिज़, जो कि काफ़ी एनर्जी दिया है। फॉर्चुनेटली पीपल आर हैविंग फन इनसाइड। यहाँ पर मेनली रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, मार्केट्स एंड अभी अपन लोग चलते हैं बाहर, मोस्ट प्रोबेबली पटवों की हवेली। अभी ऐसा सीन है, गाड़ी एकदम चल रही है। इट्स अ गुड आइडिया कि मैं गाड़ी ऑन कर दूँ, यही चला के हवेली अंदर के 5 हवेली अंदर पूरा बता खिलाएगा, घुमाएगा। गाइस अभी हम लोग हैं पत्रों की हवेली। तो गाइस ये है पत्वों की हवेली। बेसिकली यहाँ पर एक हवेली नहीं है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक 5 हवेलीज एंड पत्वो इज लाइक अ सरनेम और समथिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहले यहाँ पर वो राग करते थे एंड देन वो कुछ बिजनेस वगैरह कुछ सीन था, उनका बिजनेस कुछ ज़्यादा ऐसा खास चल ही रहा था, यू नो दे यूज्ड टू सेल थिंग्स। तो उनका क्या सीन था कि उनको प्रीस्ट ने आई मीन बोला होगा कि यहाँ पर आप जब तक यहाँ रहोगे तब तक योर बिजनेस इज़ नॉट गोइंग टू रन या वो फिर ऐसा करते करते आई मीन दोज पीपल मूव टू समवेयर एल्स एंड दे डिड द बिजनेस आउटसाइड। उनका बहुत मतलब मस्त चला बिजनेस यार, ऐसा ऐसा गूगल में लिखा है। फिर वो कुछ टाइम बाद वापस आए इधर, यहाँ पर दोबारा रहने लग गए एंड देन अगेन जो प्रीस्ट ने बोला था वैसा ही हुआ। यहाँ पर अगर उनका बिजनेस पूरा ठप से पहले आई मीन जो पत्वो थे आई मीन दे डिवाइडेड देयर मेंशन टू अपनी खानदान जो पहले होता था, उनका बिजनेस फिर से वापस होने लग गया। फिर उनकी फिर उसके बाद अगेन भाई सेम चीज़, वो वापस बाहर चले गए। अब यहाँ पर जो उसका केयर टेकर्स वगैरह थे वो लोग यहाँ पर रहते थे, तो वो अपना यहाँ पर रहने लग गया और वो कभी वापस नहीं आए। वो पत्वो जो भी है यहाँ पर जो केयर टेकर्स थे उन्होंने दे सोल्ड दिस प्लेस टू दी राजा, दे अर्न क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। बस इतनी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी। तो या अगेन वो केयर टेकर्स ने यहाँ पर कोठारी जो भी थे उनको बेचा था, दैट्स वाई दिस इज़ नाउ नोन एज कोठारी पत्वों की हवेली, लाइक दैट। सो गुड टू नो स्टाफ। अब हम जा रहे हैं लंच करने, अनफॉर्चुनेटली हमने लंच नहीं किया है। तो गाइस अभी हम हैं जोया का रेस्टोरेंट, सॉरी जोया का जायका। आई सी यू एट व्हाट लेक, गडीसर। आई सी यू एट गडीसर लेक, सी यू देयर। सो गाइज नाउ वी आर एट गडीसर लेक। यहाँ कुछ इवेंट सा हो रहा है, दिखाता हूँ आपको। अच्छा रैप सॉन्ग भी चल रहा है बाय द वे। इतना मैं हाफ ले रहा हूँ बिकॉज हमने देखना है सनसेट, इसके लिए हम इधर आए हैं और दूसरी तरफ जाना पड़ेगा लेकिन सनसेट पॉइंट के लिए, बिकॉज एंटर करते ही आपको सनसेट पॉइंट तो नहीं दिखेगा एटलीस्ट। So guys, I hope you enjoyed this video. That was Gadisar Lake and जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला। We thought कि वहाँ पर सनसेट होता है बड़ा मस्त वाला, but then no, it does not. अगर आप ये गूगल पे देखते हो तो वो गलत है, गलत है, गलत। If you enjoyed this video for whatsoever reason, say time lapse, say cinematic shots, then do not forget to give this video a big thumbs up. As always, this is Rohit. Signing off, and we'll meet in tomorrow's vlog that is all about sand dunes and adventure. Let's see how it goes. See you tomorrow.